वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर कार ड्राइवर्स। इससे पहले आपने हमारा फर्स्ट वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो देखा था, जिसमें मैंने आपको कार से कैसे चढ़ना है और कैसे उतरना है ये इसके बारे में बताया था। मैं डॉक्टर वरुण वासिल इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको ज़्यादा देर कार में बैठने से अपनी बैक पेन और नी पेन इश्यूज़ की वजह से होती हैं। कार में ज़्यादा देर बैठना सबके लिए बहुत परेशानी वाला होता है और काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है हमारे मसल्स के लिए। तो आइए हम कौन सी ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। जब भी हम कार से उतरते हैं तो ज़्यादा देर ट्रैवलिंग के बाद हमारी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, और हम जब भी कार से उतरने लगते हैं तो कुछ लोग इस पोजीशन में उतरते हैं, ऐसे झुके हैं, और उनसे सीधा होना बहुत मुश्किल होता है। ये कारण होता है क्योंकि हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं, हिप फ्लेक्सर्स हैं, वो ज़्यादा टाइट रहते हैं। देखिए कैसे, अब जब हम कार में बैठते हैं तो हमारा जो हिप लेवल है वो नीचे होता है नी लेवल से, यानी कि नी काफ़ी ऊपर होते हैं, और लग्जरी कार्स में ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। अब जब मेरा ये नी ऊपर है और हिप नीचे है तो मेरा जो फ्लेक्सर्स हैं, हिप फ्लेक्सर्स हैं, वो ज़्यादा टाइट रहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन देखिए, इसका एंगल काफ़ी कम हो जाता है। तो ये टाइट पोजीशन में जब रहते हैं तो नीचे उतरने के बाद ये एकदम से ओपन अप नहीं हो पाते, ये इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सर्स टाइट हैं। तो जब हमारा हिप एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, यानी कि हम सीधे होने लगते हैं, तो वो हमें नीचे की ओर खींचता है टाइट फ्लेक्सर की वजह से। तो इसके लिए हमें कौन से स्ट्रेच करने चाहिए, स्पेशली उन ड्राइवर्स को जो सारा दिन हमारे कार में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारे डिस्टेंस जो हैं वो काफ़ी दूर हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर तक कार में बैठना पड़ता है। तो उसके लिए हमें बीच बीच में जो हम ब्रेक्स ले सकते हैं लॉन्ग ट्रैवलिंग में, तो वो स्ट्रेच कौन सा है, उसके लिए हमें इलियोसॉस मसल जो होता है, जो हमें हमारे फ्लेक्सर्स को टाइट रखता है, जब हमें इलियोसॉस का स्ट्रेच करना होता है तो सबसे पहले कार के साथ अपने बॉडी वेट शिफ्ट करके उस पर सहारा लेके हल्का सा अपने नी को बेंड करके इस एंकल तक पकड़ के इस तरह से हम अपने हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये स्ट्रेच जब हमें आता है तो ये बीच बीच में ब्रेक्स में जब हम ये स्ट्रेच करते रहेंगे तो कार ड्राइवर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और उनके हिप फ्लेक्सर्स टाइट नहीं होंगे। नेक्स्ट, जो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग ड्राइव करना है, वो काफ़ी देर तक अपने शोल्डर्स स्टेयरिंग के ऊपर, हमारे शोल्डर्स राउंड रहते हैं और हमारी जो नेक है वो पोकिंग चिन में रहती है, मतलब फॉरवर्ड हेड में रहती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। तो सारी जो नेक मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, शोल्डर राउंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक स्ट्रेस पड़ा रहता है, और हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी हिंड्रेंस फील करती है। तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेच करने चाहिए, जैसे मान लीजिए कार रेड लाइट पर रुकी है, और या जब हम ड्राइविंग से थोड़ा सा फ्री हैं, तो हमें कौन से स्ट्रेच करने चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टीयरिंग को पुश करते हुए अपने आप को सीट की तरफ पीछे की ओर पुश कर दीजिए, और ये स्ट्रेच करने से एक तो हमारे शोल्डर पीछे जा रहे हैं और हमारी जो अपर बैक राउंडेड रहती है वो बिल्कुल स्ट्रेच फील करती है। तो मसल्स क्या करते हैं, जहाँ पे फाइबर्स उसके टाइट हो रहे होते हैं वहाँ से वो खुलना शुरू करते हैं, तो ब्लड सप्लाई जब एकदम से पहुँचती है उन पे तो बहुत अच्छा फील होता है और हमें स्टिफनेस फील नहीं होती। और सेकेंडली, जो हमारी नेक है उसको चिन टक करते हुए हमारी जो हेड रेस्ट है उसके साथ टच करवा दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा एक पोस्चर जो है फॉरवर्ड हेड, जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, उससे ये करेक्शन पोस्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करने से भी हमारी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, हमारी ड्राइविंग और इम्प्रूव हो सकती है अगर हमें और लॉन्ग ड्राइव तक हमें जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है फ्री एक्सरसाइज फॉर नेक, और ये एक्सरसाइज जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी है और जो पीछे पैसेंजर्स या साथ में पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये है जब रोड पे हमारी कार जाती है तो वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं हमारी नेक में, हमारी स्पाइन के अराउंड, तो वाइब्रेटरी मोशंस में जगह जगह से डिस्क कंप्रेस होनी शुरू होती है। तो उसके लिए हमें एक स्टिफ मोशन को रोकने के लिए फ्री एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक तो चाहिए हमारी नेक को बिग यस। बिग यस का मतलब पूरी एक्सटेंशन और पूरी फ्लेक्शन, यानी कि ऊपर की ओर पूरा लेके जाके और उसके बाद नीचे की ओर। अब नेक्स्ट करेंगे फ्री एक्सरसाइज में बिग नो, यानी कि पूरी रोटेशन, नेक की पूरी रोटेशन करने से जो नेक मसल्स हैं वो वार्म अप होते हैं
और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। थर्ड आएगा हमारी नेक की साइड बेंडिंग्स। साइड बेंडिंग से हमारे जो ट्रेपीजियस मसल होते हैं जो कि सबसे स्ट्रेस में रहते हैं शोल्डर आगे आने की वजह से और फॉरवर्ड चिन की वजह से, इसकी वजह से जो ज़्यादा स्ट्रेस आता है हमारे ट्रेपीजियस पे वो रिलीफ होता है। जब ये रिलीफ होता है तो इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई आता है जिससे हमारे मसल स्टिफ नहीं होंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे। हमें जब क्लच गियर और रेस को बार बार प्रेस करना पड़ता है तो हमारा जो फुट है जो एंकल है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में बार बार रहता है, यानी कि हमारा शिन की तरफ पैर रहता है। इसकी वजह से हमारी जो शिन है ये काफ़ी थकनी शुरू हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेक लेके, जब हमें थोड़ा सा अपना कार रोक कर ब्रेक लेनी पड़ती है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है चाहिए हमारे एंकल के लिए, उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट की वजह से जब हमारा पैर शिन की तरफ बार बार मूव करता है तो शिन स्ट्रेस में रहती है, अभी हमने देखा। तो उसके लिए हमें बाहर आके सबसे पहले अपने हील रेज करने चाहिए, यानी कि टोज पर अपने पैरों को उठाना चाहिए। ये कैसे करते हैं इसके बारे में अभी देखते हैं। हमें इस तरह की मूवमेंट कम से कम 20-30 टाइम्स करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स यानी कि काफ मसल को स्ट्रेंथन करेगा जो कि काफ़ी स्ट्रेच में रहते हैं जब हम डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं। ये मूवमेंट करने से हमारा काफ वार्म अप हो जाता है और हमें जो शिन है वहाँ पे रेस्ट फील होता है। ये स्पेशल टिप है हमारे ड्राइवर्स के लिए जो ज़्यादा देर तक ड्राइविंग में रहते हैं क्योंकि उनका स्टेयरिंग में आने से शोल्डर राउंडेड रहते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो विंडो को खोल के जो हमारे सपोर्टिव चीज़ें हैं उनको होल्ड करके अपना एक पैर बाहर निकाल के इस तरह से अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये स्ट्रेच उनके चेस्ट पे आएगा जो कि हमारे राउंडेड शोल्डर्स को बचा सकता है और ठीक कर सकता है। ये स्ट्रेच करने से, इस स्ट्रेच को कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करें और 2-3 बार प्रैक्टिस करें। ये स्ट्रेच करने से उनको शोल्डर में काफ़ी रिलीफ फील होगा और राउंडेड शोल्डर्स नहीं हो पाएंगे। तो ये था पार्ट टू कि हमें कौन से स्ट्रेचेज कार में करने चाहिए और कार ड्राइवर्स के लिए कौन से स्ट्रेचेज हेल्पफुल हैं उनको हेल्दी रखने के लिए। अगर आपने हमारा पार्ट वन के कैसे कार में बैठना चाहिए और कैसे उतरना चाहिए नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये दोनों पार्ट्स कंटिन्यूटी में ही हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्दी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।